हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे लूसेंट के सेट से, जो ये सेट है इसमें है 76 से लेकर के 85 तक का क्वेश्चंस, और आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो रहेगा 86 से लेकर 95 तक का, और ये ज्योग्राफी का पार्ट है। तो आइए लगाते हैं टेस्ट और आप अपना स्कोर इससे चेक कीजिए। क्वेश्चन है पहला कि एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन सी जल संधि अलग करती है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, बेरिंग जल संधि। एशिया को उत्तरी अमेरिका से बेरिंग जल संधि अलग करती है। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। आंसर है ऑप्शन बी, लिम्पोपो नदी। अफ्रीका की उष्ण घास के मैदान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, सवाना। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना के नाम से जाना जाता है और शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। एशिया में स्थित विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, अरब प्रायद्वीप। एशिया महाद्वीप में तीन प्रमुख प्रायद्वीप हैं, कौन कौन से, तो अरब प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडो चीन का प्रायद्वीप, जिसमें कि सबसे बड़ा है अरब प्रायद्वीप और ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। एशिया में स्थित विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, बैकाल झील। एशिया में बहने वाली सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है। आंसर है ऑप्शन सी, यांगसी नदी। यूरोप महाद्वीप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो आप इसे पॉज करके दोनों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आप इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन डी, कोई नहीं। यहाँ पे पूछा गया कौन सा गलत है, तो यहाँ पे है कि कोई नहीं, यानी कि कोई भी गलत नहीं है, यानी कि दोनों के ऑप्शन सही हैं। कि यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है, ये सही है। यूराल एवं काकेसस पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करती है, ये भी ऑप्शन सही है। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, जिब्राल्टर। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। आंसर है इसका ऑप्शन डी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं सोमालिया, इथियोपिया तथा जिबूती। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है ये अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है, जिसमें कि ये तीनों सम्मिलित हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, नील नदी। स्वेज नहर किनको जोड़ती है। आंसर है ऑप्शन सी, लाल सागर को भूमध्य सागर से। संपूर्ण पृथ्वी के कितने भाग पर जल मंडल का विस्तार है। आंसर है ऑप्शन सी, 3/4 भाग पर जल मंडल का विस्तार है, और परसेंट में पूछा जाए तो 71% पर। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। आंसर है ऑप्शन डी, लेक सुपीरियर, और यह जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित है। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा क्या कहलाती है। आंसर है ऑप्शन बी, आइसोहेलाइन। निम्न में किस एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं।
आंसर है ऑप्शन सी, अर्जेंटीना में। यह दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में ये स्थित है और पंपास को जो है, पंपास को अर्जेंटीना का हृदय भी कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है। आंसर है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। निम्न में से कौन सी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? आंसर है ऑप्शन ए, हम्बोल्ट जलधारा। हम्बोल्ट जलधारा जो है ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। बाकी के जो ऑप्शन है ये भी प्रशांत महासागर की ही जलधारा है, लेकिन ये तीनों गर्म जलधारा है। द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस के नाम से किसे जानते हैं? आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया को। और द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस के अलावा इसे लैंड ऑफ कंगारू तथा प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है कहां? आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। सार्गेसो सागर जाना जाता है किस रूप में? आंसर है ऑप्शन बी, सार्गेसो सागर महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। यह जो है समुद्र का शांत एवं बिल्कुल स्थिर क्षेत्र है, जहां कि इसके तट पर जो है मोटी जड़ विहीन, मतलब कि उसमें जड़ विहीन होती है, जड़ नहीं होती है, मोटी जड़ विहीन समुद्री घास तैरते रहता है। और ये सर्वप्रथम सार्गेसो सागर को स्पेन के नाविकों ने इसे देखा था। विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील टीटिकाका झील ये कहां पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, ये बोलिविया के पठार पर अवस्थित है। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, दक्षिण अमेरिका में। एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है और यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है तथा एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो एकांकागुआ है। ऑस्ट्रेलिया की कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, सोना खनन। ऑस्ट्रेलिया का कुलगाड़ी तथा कालगुरली ये दोनों नाम याद रख लीजिए, ये दोनों ही सोना खनन के लिए विख्यात है। विश्व का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी, अंटार्कटिका। भारत के अंटार्कटिका में कितने अनुसंधान केंद्र स्थित हैं? आंसर है ऑप्शन सी, तीन अनुसंधान केंद्र। पहला जो था वो दक्षिण गंगोत्री था, जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी, जो कि अब नष्ट हो चुकी है। दूसरा मैत्री, पहला दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है मैत्री, जिसकी स्थापना 1989 में की गई। और तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती स्थापित किया गया। तो तीन केंद्र हो गए, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? आंसर है ऑप्शन सी, विंसन मासिफ। वृहद ज्वार आती है। आंसर है ऑप्शन ए, जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में होती है तो वृहद ज्वार आती है, और जब जो है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी समकोण बनाती है तब ऐसे में लघु ज्वार आता है। विश्व की सबसे अधिक लवणीय झील या सागर कौन सा है?
आंसर है इसका ऑप्शन डी, वान झील। वान झील की लवणता सबसे अधिक है, ये तुर्की का वान झील है। और इसके बाद आता है मृत सागर। निम्न में से कौन जैविक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है? आंसर है ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जहां की मौसमी परिघटनाएं होती है, जैसे कि बादल, आंधी, वर्षा, ये सब इसी मंडल में होता है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? आंसर है ऑप्शन बी, डॉप्शन। निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, हम्बोल्ट जलधारा। यहाँ पे दिया गया है कि हिंद महासागर में है, जो कि गलत है, क्योंकि हम्बोल्ट जलधारा जो है ये प्रशांत महासागर में है। बाकी के ऑप्शन, ब्राजील धारा ये अटलांटिक महासागर में, गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर में, और अगोलहाश धारा ये हिंद महासागर में है। विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त तथा मकर वृत्त तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती है? आंसर है ऑप्शन ए, अफ्रीका महाद्वीप से। निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही नहीं है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, यहाँ पे दिया गया कि सभी सही हैं, यानी कि क्षोभ मंडल में ये मौसमी घटनाएं से संबंधित है, और समताप मंडल ये ओजोन परत उसमें पाया जाता है, और आयन मंडल में पृथ्वी की सतह की ओर जो है परावर्तित रेडियो तरंगे ये इसी मंडल में पाई जाती हैं। नील नदी निम्न में से किस झील से निकलती है? आंसर है ऑप्शन सी, विक्टोरिया झील से। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि आंसर है इसका ऑप्शन डी, क्योंकि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक निम्न में से कौन सा है? आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, ये तीनों ही इसके लिए उत्तरदायी हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, 0.03%। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों के वनों को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन बी, मोंटाना। एशिया का सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म कौन सा है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, पोर्ट स्वेज तथा पोर्ट सईद। स्वेज नहर जो है उसके उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद है स्थित है, और दक्षिणी छोर पर पोर्ट स्वेज जो है पतन अवस्थित है। करीबा बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, जाम्बेजी नदी पर। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, एबोजिर्नस। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को एबोजिर्नस कहा जाता है। रेड इंडियन जो है ये उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी को कहा जाता है।
एस्किमो निवासी का घर बना होता है? आंसर है ऑप्शन डी, बर्फ का, और इसे इग्लू के नाम से जाना जाता है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रे हिल नामक पहाड़ी कहां स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व के सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर है ऑप्शन ए, कनाडा। विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश में सबसे एक नंबर पे आता है आपका कनाडा, फिर दूसरे नंबर पे आता है नॉर्वे, तीसरे नंबर पे आता है इंडोनेशिया, चौथे नंबर पे रूस और पांचवें नंबर पे आता है, सॉरी पांचवें नंबर पे फिलीपींस आता है, और जापान जो है ये छठे नंबर पे आता है। तो कम से कम ये जो दिया गया है ये 82 पेज नंबर में दिया गया है, आप वहाँ कम टोटल 11 दिए गए हैं, आप उसे याद कर लीजिए क्योंकि ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। हो सकता है इसके जगह पे और आपको और कोई ऑप्शन दे दिया जाए तो उसमें सबसे बड़ा कौन है आपको ये छांटना होगा। सबसे बड़ा महासागर निम्न में से कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर, और अगर सबसे छोटा महासागर पूछा जाए तो वो है आर्कटिक महासागर। किस देश के राष्ट्रीय पक्षी कीवी है? आंसर है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड का। कनाडा का मॉन्ट्रियल किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर है ऑप्शन ए, कागज के लिए। कनाडा का मॉन्ट्रियल जो है ये कागज के लिए प्रसिद्ध है। जर्मनी में स्थित ब्लैक फॉरेस्ट किस नदी के किनारे अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, राइन नदी के किनारे ये स्थित है। तो ये थे 50 क्वेश्चंस के सेट। आई होप कि इसमें स्कोर हमेशा की तरह आपका काफ़ी अच्छा रहा होगा, और जिनका अच्छा नहीं भी है तो वो आप धीरे धीरे लगातार इस पर बने रहिए, और जो पेज नंबर आपको दिए जाते हैं उसे अच्छी बार से पढ़ लीजिए। आपको रट रट के याद नहीं करना है बिल्कुल से, आप उसे 2-3 बार बस पढ़ जाइए, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वो हमारे वेबसाइट पर दे दी जाएगी, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।